ओके सो आई वेलकम यू ऑल। आज का जो वेबिनार है ये डिजिटल एकेडमी होगा और डिजिटल एकेडमी में हमारे पास बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आज जो हमारे पास क्रिटिकल कंपोनेंट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है वो डिजिटल सीआरपीओ होगा। व्हाई? क्योंकि जब तक हमारे पास एक सिस्टम नहीं होगा, हमारे पास एक प्रॉपर सीआरपीओ नहीं होगा, तो हमारे लिए पूरा एक डिजिटल सिस्टम या डिजिटल बिजनेस इट विल नॉट वर्क the way we want it to, अगर हमारे पास सिस्टम नहीं है, right? Because digital is not just about generating leads, it's not just about posting in groups. Digital working is about having a proper system, a complete system होना चाहिए हमारे पास. So that's why जो आज का discussion होगा, it will be completely and strictly about digital सीआरपीओ कि आप अपने लिए एक online system कैसे create कर सकते हैं. Session के बाद जितने भी आपके questions होंगे, आप please don't hesitate to ask. एंड जो भी हम कुछ डिस्कस करेंगे उस पर प्लीज एक्ट, बिकॉज नेक्स्ट वेबिनार विल आइडियली बी फॉर द पीपल जो आज के वेबिनार के बाद कुछ एक्शन लेंगे. ओके सो आई विल डायरेक्टली हेड टू द डिस्कशन. सी दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो फर्स्ट कि हमें डिजिटल बिजनेस क्यों करना है. एंड ऑल्सो जब आप कल को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, राइट? एंड मोस्ट ऑफ अस हम देखते हैं कि हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ऑनलाइन तो हम लोगों को डिजिटल बिजनेस की तरफ बुलाते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस की तरफ बुलाते हैं, राइट? एक डिजिटल एंटरप्रेनर उनको हम कहते हैं बनना. सो दैट्स वाई जितना उनके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेट करना कि डिजिटल बिजनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जाना कि डिजिटल पर्टिकुलरली हमारे बिजनेस को कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है. अगर हम ऑफलाइन कर रहे हैं तो हमें डिजिटल होने की क्या जरूरत है? हमारे पास इन चीजों का एक सॉलिड आंसर होना चाहिए. दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग जो डिजिटल हमें ऑफर करता है दैट इज कन्वीनियंस. यानी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग में काम कर सकते हो घर से बैठ के. आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास जो कन्वीनियंस है वो बहुत ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज जब आप डिजिटली काम शुरू करते हो तो आप इजिली घर बैठ के काम कर सकते हो. कल को जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो मे बी आप हाउसवाइफ को प्रोस्पेक्ट करते हो, आप मदर्स को प्रोस्पेक्ट करते हो, वो भी इसी टाइप की अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होते हैं जहां पे उनको अपने लिए टाइम मिले और साथ में ही वो घर से ही अपने आप को किसी चीज में एंगेज रखें जहां से उनके पास एक इनकम आ जाएगी, एक लाइफस्टाइल आ जाएगी, राइट? सो दैट्स वाई डिजिटल सेल्स, दैट्स वाई पीपल गेट इंटरेस्टेड जब उनको पता चलता है कि उनको घर से बैठ के ऑनलाइन काम करना है. That is not just one benefit of digital, it's also a very good prospecting tool. Okay? Second thing is cost effective. Like lot of you, mostly, आप offline काम करते हैं. अगर आपको lead generate करनी होती है या आपको recruit करना होता है या आपको training देनी होती है, you easily understand कि कितना मुश्किल होता है कि बार बार हम बाहर जाएं. Why? क्योंकि cost आ जाता है, travel का cost, venues का cost. Maybe you have some cafe, coffee or say some food to eat. Uska cost. So it is cost as well as lot of effort. Lekin digital se kya hota hai ki agar aap advertisement seekhenge kaafi acche se. And I'm giving you the numbers. Agar aap sirf 5000 rupay invest karenge monthly on Facebook advertising. Aap apne liye easily 700-800 lead generate kar sakte ho. If you just have the budget of 5000 rupees per month apne Facebook ads ke liye. Now compare it with your offline work. Agar aapko offline 500 ya 800 lead generate karna hai, aapko kitna effort, aapko kitni mehnat aur aapko kitna cost incur hoga, right? So digital isliye beneficial hai. Ek hame convenience milti hai, ek flexibility milti hai. Dusra ye kafi cost effective hai. Then third most important thing is outreach. 3-4 साल पहले आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि मैं लखनऊ के बाहर अपना बिजनेस इतना इजीली सेट कर सकता हूँ. वाई? क्योंकि तब ट्रैवल करना पड़ता, बार बार कम्युनिकेशन के लिए मीटिंग्स करनी पड़ती. लेकिन आजकल के टाइम में अगर डिजिटल से मुझे कहीं पे भी अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, वहां से मुझे अपना एक नेटवर्क सेट करना है, आई कैन इजिली रीच टू एनी लोकेशन. और जो रीच आउट रीच मिली हमें डिजिटल से, हम किसी को भी ढूंढ सकते हैं, किसी तक भी पहुंच सकते हैं. ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है डिजिटल बिजनेस का. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ग्रोथ. आपने खुद देखो अगर स्टेज पे, चाहे आप मैनेजर सेमिनार की बात करो प्रीवियस वाले या उससे पहले डायरेक्टर सेमिनार की बात करो, डिजिटल लीडर्स की टेस्टिमनी कितनी इफेक्टिव थी.
वहां पे जो भी टॉप टाइटल होल्डर्स थे, जिनमें मल्टीपल टाइटल्स थे, सॉरी चार टाइटल, दैट वाज द डिजिटल लीडर, वन ऑफ द फास्टेस्ट गोल्ड डायरेक्टर, इवन सैफायर डायरेक्टर कल्याणी फ्रॉम पुणे, शी इज द डिजिटल लीडर, राइट. शांति देवी फॉर दैट मैटर, जिन्होंने सिर्फ 2.5 साल पहले अपना ओरिफ्लेम बिजनेस शुरू किया और आजकल के टाइम में वो डायमंड डायरेक्टर है और उन्होंने ऑलरेडी अपना सीनियर डायमंड भी ओपन कर लिया है, बाय मार्च उनका सीनियर डायमंड भी कंप्लीट हो रहा है. तो यू सी दैट लाइक यू नो, जो एक ग्राउथ हमें डिजिटल प्रोवाइड करता है, जितनी फास्ट पेस से प्रोवाइड करता है, वो ऑफलाइन बिजनेस नहीं कर पाता. बट दैट्स व्हाई हमें डिजिटल करना है. व्हाई? कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, आउटरीच एंड कम्युनिकेट करना इजी है बहुत सारे लोगों तक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा जो विजन है ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान पे ग्रो करने का, वो मैं काफी तेजी से ग्रो कर सकता हूँ. राइट, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चार क्रिटिकल फंक्शंस हैं इसकी, देयर आर अदर बेनिफिट्स एज वेल, राइट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है मेरे लिए, इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना ही एड चलाने हैं, ना ही आपको लिंक्डइन पे आना है, ना ही आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, नहीं. सबसे पहले आप सिस्टम पे फोकस करेंगे. अगर मैं एक ऑनलाइन लीडर हूं, मुझे ऑनलाइन नेटवर्क क्रिएट करना है और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो लोग जुड़े वो भी इसी एटीट्यूड, इसी नो माइंडसेट के साथ मेरे काम करें, मैं कैसे कर पाऊं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नए लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं होगा इट्स लाइक ए खिचड़ी, किसी को कुछ भी नहीं पता क्या ही कर रहे हैं, कहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, राइट. सो वी नीड अ प्रॉपर वे टू डू इट, और हर किसी का सिस्टम अलग हो सकता है. नॉट नेसेसरी कि जो चीज मेरे लिए वर्कआउट करेगी वही आपके लिए भी करेगी. तो यू नीड टू फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ्स. कॉलिंग कितनी करनी है, वेबिनार्स कितने करने हैं, मे बी ऑफलाइन मीट कितना रखना है मंथली. सो एक अच्छा रेशियो, एक अच्छा मिक्स रखना बहुत जरूरी है इस चीज में. ओके, वी टॉक्ड अबाउट दिस स्लाइड इन मैनेजर सेमिनार एज वेल, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन करूंगा. सी, हमारा जो बिजनेस है इसमें हमारे पास चार क्रिटिकल फंक्शंस है. द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोस्पेक्टिंग, जहां पे हम अपने बिजनेस के लिए नए नए लोगों को ढूंढते हैं, राइट. सेकेंड फंक्शन इज रिक्रूटमेंट, यानी जो भी लोग हमने प्रोस्पेक्ट करके मिले उनको हम अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं. थर्ड फंक्शन इज लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी जो भी रिक्रूट्स आ गए उनको हमने क्वालिफाइड रिक्रूट्स बना लिया, उनको हमने 3% और 5% और 12% और एक सीनियर मैनेजर बना लिया, राइट. सो दैट इज वाई लीडरशिप डेवलपमेंट इज क्रिटिकल. अगर मेरा लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल सही नहीं है, मैं कैसे ग्रो करूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल. और कम्युनिकेशन, हाउ डू आई कीप माई नेटवर्क एक्टिव, उसके लिए मेरे पास क्या क्या स्टोरीज हैं शेयर करने को, मैं किस डे ऑफ द वीक को क्या क्या स्टोरी पोस्ट करूंगा, नए नए लोगों तक क्या क्या चीजें कम्युनिकेट होनी चाहिए, राइट. सो डू आई हैव अ मॉड्यूल फॉर ऑल दैट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मैकेनिज्म हियर, आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, प्रोस्पेक्टिंग, रिक्रूटमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आर फोर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर सीआरपीओ. लेकिन जब आप ऑनलाइन सीआरपीओ की बात करते हो, आपको एग्जैक्टली यही चीज करनी है, लेकिन यहाँ पे टूल्स वेरी होंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोस्पेक्टिंग आप वन ऑन वन मीटिंग्स करते हो, ग्रुप मीटिंग्स करते हो, यहाँ पे आप प्राइमरीली सोशल मीडिया पे करोगे एंड ऑल्सो थ्रू द एडवर्टाइजिंग, राइट. आप रिक्रूटमेंट के लिए नेम बैंक करते हो, कॉल करते हो, पर्सनल मीट करते हो, यहाँ पे अगेन आप यूजुअली व्हाट्सएप, वेबिनार और कॉलिंग का सपोर्ट लेंगे. आपके पास कोर टीम होती है, आप बिजनेस प्लानिंग सेशंस करते हो, यहाँ पे भी आपके पास कोर टीम होनी बहुत जरूरी है. यहाँ पे भी आपको वैसे ही बिजनेस प्लानिंग सेशंस करने हैं, गोल सेटिंग्स करनी है. आप वीकली मीटिंग्स करते हो, आप कुछ चीजें कम्युनिकेट करते हो थ्रू ट्रेनिंग, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीजें करनी है. लेकिन बस यहाँ पे टूल डिफरेंट है एंड इट्स जस्ट कपल ऑफ टूल्स. तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट करना है, तो आपको दुनिया भर के टूल्स नहीं, बल्कि जस्ट फ्यू टूल्स इनकॉर्पोरेट करने हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकते. एंड कुछ टूल्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वेबिनार सबको करना है और बहुत इजी है. एवरी वन ऑफ यू शुड बी डूइंग वेबिनार्स. क्यों? क्योंकि वेबिनार से आप चारों चीजें कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी, रिक्रूटमेंट भी, लीडरशिप डेवलपमेंट भी और कम्युनिकेशन भी. तो वेबिनार इज द बैकबोन ऑफ योर ऑनलाइन सिस्टम. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, अगर सिस्टम है, अगर हम अपने लिए एक सिस्टम आइडेंटिफाई करें, तो हमें अपने लिए ग्राउथ कैसे आएगी? हाउ इज दैट वी कैन ऑल्सो लाइक यू नो एनश्योर कि हमें फिर इस चीज से ग्राउथ भी मिल रही है.
देन वी अंडरस्टैंड दैट जो डिजिटल लीडर्स हैं वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म से काम करते हैं, और जब तक आप इन तीनों चीजों को कंप्लीट नहीं करेंगे ग्राउथ नहीं आएगी। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज दैट आपके पास सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स दैट आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है आज के टाइम में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दो। दैट इज हाउ यू शुड आइडियली स्टार्ट विथ। बट एज अ डिजिटल लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना, जहां पे बहुत ज्यादा लोग मिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफाइल क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म फर्स्ट। अगर मुझे पता ही नहीं कि लिंक्डइन क्या है तो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट क्या करूंगा, राइट? आई नीड टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म फर्स्ट। सो मुझे पूरा पता होना चाहिए फेसबुक प्रोफाइल क्या होता है, इसका मतलब यू नो पर्पस क्या है। फिर मुझे पेज क्यों क्रिएट करना है, अगर मेरे पास प्रोफाइल हो तो पेज क्यों क्रिएट करना है, पेज क्या होता है, पेज क्या क्या पर्पस है। ओके, फेसबुक पे इतनी सारे ग्रुप्स हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज है, तो उन कम्युनिटीज की क्या एथिक्स हैं, मुझे वहां पे क्या करना है। अच्छा, फेसबुक पे हम एड्स भी चला सकते हैं, तो कितने टाइप के एड्स हैं, मैं कौन सा एड चला लूं अपने बिजनेस के लिए, कितना मैं स्पेंड करूं एडवर्टीजमेंट पे। जब तक हमारे पास इस तरीके का एक माइंडसेट नहीं होगा, इस तरीके का एक अप्रोच नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पेज पे सेल्फी डालते हैं, लिंक्डइन पे वो स्क्रब सेल करते हैं, एडवर्टीजमेंट में उन्होंने आज तक चलाया नहीं है। सो दैट इज वायर द मिस इज। एज अ डिजिटल लीडर यू शुड नो प्रोफाइल इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी, और फेसबुक प्रोफाइल पे मैं कुछ भी पोस्ट कर दूं, राइट? आप वहां पे अपनी पर्सनल लाइफ, अपने ट्रैवल, अपनी बिजनेस की मीटिंग्स, कोई मूवी देखी आपने, किसी रेस्टोरेंट में खाने गए, किसी पुराने दोस्त से मिले, एवरीथिंग इज अ गुड कॉन्टेंट फॉर योर फेसबुक प्रोफाइल। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ टैग अलाउ करते हैं, तो जब तक वो खुद पोस्ट कभी नहीं करते हैं और उनको दूसरे लोग जो टैग करते हैं बस उन्हीं के पोस्ट दिखते हैं उनकी वॉल पे। या कुछ लोग सिर्फ ये करते हैं कि सिर्फ अपने प्रोफाइल पे शेयर करते हैं इधर उधर के वीडियोस, कुछ टिकटॉक वीडियो शेयर कर दिए, कुछ लाइक यू नो रिलीजियस वीडियो शेयर कर दिए, तो इससे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वाई? क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन आता हूँ तो अगर मैं किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल है मेरा, वहां पे मुझे बात करनी है लोगों से, वहां मुझे लोगों तक कुछ कम्युनिकेट करना है, राइट? तो यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट। फिर आप कहो कि पेज है, अच्छा पेज में कैसे बनाऊं, मेरे पेज का नाम क्या होना चाहिए, पेज में इतनी सारी डिटेल्स क्यों है, पेज में कौन सी कैटेगरी में चूज करूं, कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो मुझे अपने पेज पे अपडेट करना ही चाहिए। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, लेकिन डिजिटल में इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स वाई वी आर हैविंग दिस ट्रेनिंग। वाई? क्योंकि आज की ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ चीजों पे काम करना है, एंड देन वी कैन एक्चुअली लाइक यू नो किक स्टार्ट विद द सेकंड ट्रेनिंग, सो दैट इट सर्व्स पर्पस, अदरवाइज कोई फायदा नहीं आगे जाके, राइट? एंड सिमिलरली लाइक यू नो ग्रुप्स में मैंने बहुत देखा है कि लोगों की आईडीज ब्लॉक होती हैं, उनको ग्रुप में बार बार डिसेबल कर देते हैं पार्टिसिपेट करने से, और बाद में उनके फिर फेसबुक बूस्ट पोस्ट डिसअप्रूव होते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट हमेशा रिजेक्ट होते हैं, उनके अकाउंट तक ब्लॉक हो जाते हैं। वाई? क्योंकि लोग ग्रुप्स के एथिक्स को नहीं समझते हैं। ग्रुप है खाने पीने के बारे में, वहां पे भी हम टेम्पलेट डालते हैं, I'm looking for 20 females who want to work like, you know, online from home. Group hai samjho, for example, about travel. Group hai about art and literature. Har jagah log wahi same template use karte hain. Jab tak aap communities ke liye, groups ke liye value create nahi karoge, jab tak aap dusre logon tak ek achha emotional and inspirational content nahi pahunchaoge, log inspire nahi honge. अगर आप सिर्फ सेलिंग पर्सपेक्टिव से या ऐसे कोई बेट डाल के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, इवेंचुअली उनको पता चल जाएगा यार आगे तो कुछ है ही नहीं। सो व्हाट आई नीड अ राइट प्रोस्पेक्टिंग मेथड, कि मैं लोगों को कितने अच्छे से अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट्स के तरफ अट्रैक्ट करूं। एट द सेम टाइम जब वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनको मेरा सिस्टम कितना इफेक्टिव और कितना सिंपल लगता है। दैट शुड बी द क्रक्स ऑफ योर डिजिटल वर्क। So now that I'm assuming I have a nice Facebook profile, I have a page, I participate in groups जहाँ पे मैं बहुत refined, relevant content post करता हूँ, जो भी उस group जिसके बारे में भी वो group है, and also advertisements, right? मेरा इतना monthly budget है, इतनी leads मेरे पास monthly advertisement से आते हैं, और Instagram पे भी सारी चीजें जो आप अपने profile पे करते हैं।
तो जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ यहाँ से क्या होगा, मेरे पास लीड्स आ जाएंगी। उसके बाद मुझे अपनी दूसरी फंक्शन पे काम करना है जो है रिक्रूटमेंट। नाउ द थिंग इज, अगर आपके प्रोफाइल पे भी 5-6 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, लीड्स आ गई, आपने पेज से कुछ बूस्ट करा था वहां से भी 5-6 लीड्स आ गई, आपने ग्रुप्स में काफी अच्छे पोस्ट करके अपने लिए 50 या 60 कमेंट जनरेट करे, आपने एड चलाया था वहां से आपके पास 200 लीड आ गई, राइट? तो आप उनको रिक्रूट कैसे करेंगे? क्या आप उनका नंबर ले लेंगे? क्या आप उनको रिप्लाई करेंगे अपना नंबर डाल के? क्या आप उनका उनको 1 by 1 कॉल करेंगे? नो, हमने देखा कि जो डिजिटल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास रिक्रूटमेंट के लिए 2 इम्पोर्टेंट चीजें, 1 इज देयर रिक्रूटमेंट टेम्पलेट और दूसरा होती है उनकी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग, एंड दीज 2 आर वेरी वेरी क्रिटिकल अगर आपको अपना रिक्रूटमेंट स्ट्रॉन्ग करना है। मैं भी आपको थोड़ा एग्जाम्पल भी दूंगा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स कैसे शेपअप करने हैं, और ये आप कहाँ कर सकते हो, वेबिनार पे, व्हाट्सएप पे और कॉलिंग पे। तो रिक्रूटमेंट के लिए आपको ये 3 टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यहाँ से मैंने रिक्रूट किए, अब मैं उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, आई हैव टू पे अटेंशन टू देम, राइट? तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, इनका गेटिंग स्टार्टेड कब होना है, इनको मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग कब देनी है, हाउ टू वर्क ऑनलाइन की, इनको मैं पावर लेग पे कब ट्रेन करूँ अच्छे से, इनको मैं लीड जनरेशन कब सिखा दूँ, इनको मैं वेलनेस कैसे सिखा दूँ, इनको मैं स्किन केयर कैसे सिखा दूँ, यू नो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल। और मेरे सिस्टम में ये देखो 7 या 8 ट्रेनिंग है जो रिपीटेडली हमेशा होती है, और बीच बीच में वी कम अप न्यू ट्रेनिंग्स टू अपडेट एंड ट्रेन अवर टीम। तो आपके पास 5, 6 या 7 ट्रेनिंग होनी चाहिए जो रेगुलरली होती हैं, हमेशा होती हैं, और आपकी कोर टीम उनको करती है, आप करते हो, आप मिलके ये सारा काम करते हो, ओके? एंड देन फाइनल फंक्शन इज हाउ डू आई कीप माय नेटवर्क एक्टिव, यानी अगर मेरे पास लोग आ जाते हैं आज के टाइम में, इफ आई जॉइंट समबडी नेटवर्क हियर, अगर आपने मुझे 2 दिन तक कॉन्टैक्ट नहीं किया, अगर आपने मेरे साथ एक प्रॉपर अप्रोच के साथ मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं किया, आई विल नॉट हैव फेथ इन योर सिस्टम। एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट जब भी आप किसी को रिक्रूट करते हो तो जो इनका पहला 1 महीना होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। व्हाई? बिकॉज इवन दे रिक्रूटेड गॉट रिक्रूटेड इवन दे ज्वाइंड यू, बट अभी भी वो बहुत स्केप्टिकल है, दे हैव अ वेरी फिकल माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई? बिकॉज दे आर कंसिडरिंग इट, क्या हमें सच्ची में यही करना है कि नहीं करना है। तो अगर उस टाइम हमने उनको काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज नहीं बता दी अपने टीम के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, उनको एक प्रॉपर इंट्रोड्यूस नहीं किया अपने बिजनेस को लेके, उनको हमने ट्रेन नहीं किया जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं अपने बिजनेस के लिए, आई कैन नॉट एंश्योर द सक्सेस कमिंग इन, राइट? व्हाई? क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली विद द पीपल जो आपको बहुत ज्यादा रिसेंटली ज्वाइन कर रखे हैं आपको। तो जब मैं ये सारी फंक्शंस करता हूँ, आप देखोगे एज वी टॉक्ड अबाउट, आपको सिर्फ 3 या 4 टूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। फेसबुक, जहाँ पे आप प्रोफाइल पेज ग्रुप्स एंड एड्स में काम करके अपने लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और साथ में आप इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग करते हो, बाकी सबके लिए आपको वेबिनार और व्हाट्सएप की जरूरत है। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 या 4 टूल हैं, इन्हीं 4 टूल्स के बेसिस पे आपका पूरा ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट होगा। यू डू नॉट नीड टू मूव हियर एंड देयर। And then what I need to do is duplication, यानी जो भी मेरा सिस्टम है, तो जैसे भी मैं काम करूं, जैसे भी ये मेरे लिए वर्कआउट करता है, मैं accordingly अपने कोर टीम को सिखा दूं, मैं accordingly अपने पूरे नेटवर्क में उसी तरीके से लोगों को काम सिखा दूं। That is really really important, right? So that is called duplication, यानी आप replicate करते हो, आप अपने लोगों को वैसे ही काम करना सिखाते हो। बट इवन इफ यू डू दीज 2 functions, द ग्राउथ जो आप एक चाहते हो कि सी यहाँ तक आपका कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, आउटरीच सारा कुछ हो जाता है, लेकिन डिजिटल से फास्ट ग्राउथ कैसे आती है? डिजिटल से फास्ट ग्राउथ इसलिए आती है, एक आप तो प्रोस्पेक्टिंग काफी मैसिवली कर सकते हो, तो आप कितना भी चाहे लीड जनरेट कर सकते हो, राइट? बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक पावर लेग थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो। पावर लेग में क्या होता है कि आप डेप्थ में बिजनेस को बिल्ड करते हो, आप यूजुअली 3 लेग से स्टार्ट करते हो, जहां पे आप लोगों को कम्युनिकेट करते हो कि आप में से जो जो भी मुझे 2 रिक्रूट देगा उसको मैं अपने एंड से 3rd रिक्रूट दूंगा। दिस इज द फास्टेस्ट वे टू ग्रो मैनेजर्स,
और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो पावर लैग में है वो दो है. वन इज आइडेंटिफिकेशन. नाउ जब मैंने अपने ग्रुप में कम्युनिकेट किया कि आप दो रिक्रूट लेके आ जाओ, आपको तीसरा रिक्रूट मैं दूंगा, तो द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन. तो अगर मेरे पास अभी 3 लैक्स में 10-20 लोग थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 लोगों ने रिक्रूटमेंट किया है आज के टाइम में, तो मैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये लोग कौन है, राइट? सो दीज आर द पीपल हु आई शुड हैव माई क्लोज अटेंशन टूवर्ड्स. आई कैन नॉट बी टॉकिंग टू 100 पीपल एंड यू नो उसमें से कोई भी वर्थ वाइल नहीं है. Rather, I just talk to 10 people, जिसमें से at least like, you know, 3 या 4 बंदे काफी seriously काम कर ले मेरे साथ. So that's why I identify those people and I start like, you know, noticing them. I start feeding them with more inputs. I, you know, set up a personal rapport with them. क्योंकि उन्हीं में से मेरे future leaders आ सकते हैं. Why? Because people who bring recruitment means they are serious for this business, right? लेकिन आजकल के time में अगर 20 लोगों ने 2-2 recruit लेके आ जाए आगे, तो इट मींस दैट मुझे उन 20 लोगों को एक एक रिक्रूट देना है. तो मेरे पास रिक्रूटमेंट हमेशा रेडी होना चाहिए. और अगर मेरे पास हमेशा रिक्रूट्स रेडीली अवेलेबल होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास लीड्स भी बहुत ज्यादा हो. अगर मैं 10 लीड्स जनरेट करूंगा, मेरे पास 2 लोग रिक्रूट होंगे. अगर मैं 100 लीड जनरेट करूंगा, मेरे पास 10 लोग रिक्रूट होंगे. अगर मैं 200 लीड जनरेट करूंगा, मैं 25-30 लोगों को रिक्रूट कर सकता हूँ, राइट? So, जितनी हमारी प्रोस्पेक्टिंग इफेक्टिव है, उतना ही हमारा रिक्रूटमेंट भी स्ट्रांग होगा. और जितना हमारा रिक्रूटमेंट स्ट्रांग है, उतना ही सही से हम पावर लेग कर पाएंगे. दीज आर 3 थिंग्स विच आर कनेक्टेड. और जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी, वी विल ऑलवेज स्ट्रगल टू हैव दैट ग्रोथ जो बाकी लीडर्स में हम आजकल देख रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, कुछ लीडर्स, उनके पास स्पेशल प्लान्स होते हैं. लाइक यू नो दे टेल देयर नेटवर्क, आई विल मेक यू अ सीनियर मैनेजर इन दिस टाइम. और हम एक कैंपेन करेंगे या हम एक कम्युनिकेट करेंगे नेटवर्क में. फॉर एग्जांपल, अ रेस टू मैनेजर हो रहा है, अ रेस टू मैनेजरशिप. आप अपने 100 बीपीस कंप्लीट करो, हम आपको फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लेके आ जाएंगे, जहाँ पे आपको हम अटेंशन देंगे, आपको हम ज्यादा ट्रेनिंग देंगे, आपको हम एक प्रिविलेज देंगे, सो दैट यू हैव मोर ऑफ आवर अटेंशन एंड फोकस. और आपके साथ 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 हम आपके नेटवर्क को भी ग्रो करा लें. एंड पीपल हु इवेंचुअली लाइक यू नो एंड अप बीइंग सो प्रोएक्टिव इन सच कैंपेन्स, और लाइक यू नो हु एक्चुअली शो लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, दीज आर द पीपल. व्हाई? क्योंकि हमारा जो विजन होना चाहिए डिजिटल से, दैट शुड बी लाइक यू नो the success plan, that should be going on to the stage for recognitions, that should be traveling to national and international destinations, that should be like, you know, cash awards hone chahiye hamare paas, ek kafi achhi income honi chahiye, ek bada sa network hona chahiye. These are the dreams that you have to feed to people. Aur inhi cheezon ke basis pe jin logon ko aap recruit karoge, you will always have better growth in your network. तो हमने देखा कि डिजिटल में जो हमारा वर्क फ्लो है वो बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग से फोकस करना है, सो दैट हमारे पास लीड्स जनरेट होते हैं. और हमने देखा यूजुअली डिजिटल एंड सोशल में हमारे पास यूजुअली 3 टाइप्स की लीड्स होती हैं. द फर्स्ट लीड इज कॉल्ड द कोल्ड लीड. कोल्ड लीड कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपके फोटो को लाइक करता है, या वो उसने आपके फोटो पे कमेंट किया है, लुकिंग ग्रेट, नाइस पिक्चर, समथिंग लाइक दैट. इट मीन्स दैट ऐसे लोग हमारे साथ एंगेज होते हैं, लेकिन अभी वो हमारे बिजनेस में या हमारी प्रपोजिशन में इंटरेस्टेड नहीं है. व्हाट शुड आई डू विद कोल्ड लीड्स? बस उनको मैं रिप्लाई करूं, उनको मैं एंगेज करूं, दैट्स इट. आई शुड नॉट स्पेंड मोर टाइम विद देम. फिर दूसरा सेट ऑफ लीड्स होता है जो आपकी अपॉर्चुनिटी या आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखा देते हैं. एंड अगर प्रोडक्ट्स में आया, देन इज डायरेक्टली यू जस्ट रिप्लाई विद व्हाटएवर यू नो प्रोडक्ट दैट पर्सन इज क्लेमिंग अबाउट और इंक्वायरिंग अबाउट. लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी को लेके है, लेकिन अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता आप कौन हो, हाउ इज योर पर्सनैलिटी लाइक, हाउ इज योर बिजनेस लाइक, आप एग्जैक्टली क्या करते हो, अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता. उन्होंने बस हमारा एड देखा, उन्होंने हमारी पोस्ट देखी, या उन्होंने कहीं ग्रुप या मार्केट प्लेस में हमारा कोई फ्लायर या बैनर देखा, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो गए.
इट मींस ये वाला जो सेकंड लीड है इट्स कॉल्ड अ वार्म लीड. वार्म लीड वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं लेकिन अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता हम कौन है, हमारा बिजनेस क्या है. बट दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ द लीड्स जो ऑनलाइन हम जनरेट कर पाते हैं. आपकी 90-100% लीड जो जनरेट होती है वो यूजुअली वार्म लीड ही जनरेट होती है. तो जो भी आपके पास लीड्स आती हैं, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनको भेजेंगे अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबका नंबर ले लूं फिर सबको कॉल करूं और बाद में अगर मुझे रिजेक्शन मिल जाती हैं, 100 में से सिर्फ मैं 10 लोगों से इवेंचुअली बात कर पाता हूं, देयर इज नो पॉइंट कि मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करूं. रादर व्हाट आई शुड डू इज मेरे पास रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स होने चाहिए जहां पे मैं लोगों को अपने बारे में बता दूं, इस बिजनेस के बारे में कुछ बता दूं, सो दैट दे हैव आइडिया. उसके बाद से दे मेक अ कॉल कि उनको मुझे रिप्लाई करना है, वो मुझ तक रीच आउट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते. नाउ फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम में आई प्रोस्पेक्ट इट इन ग्रुप्स, इधर उधर मैंने एड चलाए, मेरे पास 100 लीड आई, राइट? तो 100 लीड को मैं क्या करूंगा, चाहे वो मेरे मैसेंजर पे आए या उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया कहीं, तो सब जहां पे भी वो मुझे रिप्लाई करे मैं वहीं पे उनको अपना सबसे पहले रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेजूंगा. रिक्रूटमेंट टेम्पलेट जो कि मेरे बारे में है या मेरे नेटवर्क के बारे में है, जहाँ पे हमारी स्टोरी है, जहाँ पे हमारे अचीवमेंट्स की बात हो रही है और जहाँ पे हम इस बिजनेस के बारे में लोगों को कुछ बता देते हैं. इट कुड बी अ सिंपल टेक्स्ट, आप अपने एक नेटवर्क का पूरा कोलाज बना सकते हो, फॉरेन ट्रिप, ट्रेनिंग्स, रिकॉग्निशन, कैश अवार्ड्स का, और वो आप टेक्स्ट के साथ भेज सकते हो, या आप एक फ्लायर बना सकते हो कैनवा पे रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को लेके, या आप एक वीडियो और हल्का सा टेक्स्ट इंट्रोडक्शन भी रख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू. अगर आप सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पे बनाओगे दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव, बट प्रोवाइडेड आप कितने अच्छे से अपनी स्टोरी, अपने बिजनेस को कम्युनिकेट कर पाओगे लोगों तक. सबसे अच्छा जो वर्क करता है वो फ्लायर वर्क करते हैं, जब आप एक अच्छी पिक्चर का कोलाज उसके साथ अपनी स्टोरी रख देते हैं, दैट वर्क्स द बेस्ट. Now what happened here is, मैंने अपने लिए 100 लीड जनरेट करी, राइट? तो 100 लीड को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उनको मैं सबसे पहले अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेज दूंगा. नाउ द पॉसिबिलिटी इज 100 में से 30 लोगों ने मेरा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट ओपन करके भी नहीं देखा, इट्स ऑल राइट. 70 पीपल saw my रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, उसमें से 50 लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अगेन ऑल राइट फॉर मी. इवेंचुअली वो बाद में भी मना ही कर देते. तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाती है. और अगर तो 70 और 20 लोग तो पहले ही सॉरी ओके 100 में से लाइक यू नो 30 गॉट फिल्टर्ड, फिर 50 मोर गॉट फिल्टर्ड, तो 80 पीपल आर ऑलरेडी आउट. लेकिन जो बाकी के 20 लोग बचे, दीज आर माई क्वालिफाइड लीड्स. वाई? क्योंकि अब उनको मेरे बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में हल्का सा आइडिया है एंड उसके बाद ये और इंक्वायर करना चाहते हैं. इट मींस दैट दीज आर द पीपल जिनको मुझे इवेंचुअली रिक्रूट करना चाहिए एंड दैट इज व्हेन आई शुड टेल देम थैंक यू सो मच, आप मुझे बता दो. नाउ वी हैव टू वेज टू रिक्रूट देम, आइदर वाया ए वेबिनार या फिर व्हाट्सएप एंड कॉलिंग थ्रू, एंड दैट इज व्हाट वी शुड फिगर आउट कि किसका क्या पोटेंशियल है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी ने रिप्लाई किया तो आई शुड इन्फॉर्म दम थैंक यू सो मच फॉर शोविंग इंटरेस्ट, अगर आपके पास इस वीक में कभी भी हाफ एन आवर फ्री टाइम का तो मैं आपको एक ऑनलाइन कॉल के लिए इनवाइट करता हूं और वहां पे हम आधे घंटे में पूरा डिस्कस कर देंगे ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इससे. इफ दे आर कंफर्टेबल कमिंग ऑन टू वेबिनार, उनको वेबिनार पे रिक्रूट करो, बट आइडियली परसेंटेज बहुत कम होगा, 10 में से मे बी 1 या 2 लोग होंगे इंटरेस्टेड वेबिनार पे आने के लिए. मोस्ट ऑफ द पीपल जो बाकी 8 लोग हैं वो कहेंगे नहीं आप हमें अभी कुछ भेज दो व्हाट्सएप पे या अगर आपके पास कुछ है. दैट्स वाई आपके पास जो भी OM होगा, आपकी पर्सनलाइज अपॉर्चुनिटी मीटिंग, आप उसके स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपके पास जो भी कैश अवार्ड्स है, जो भी टेस्टिमनी के वीडियोज हैं, जो भी फॉरेन ट्रिप्स की अच्छी पिक्चर्स हैं, उनके कोलाज भेज दोगे उन्हें व्हाट्सएप पे, आप उनको थोड़ा बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करोगे उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा. एंड वेन एवर पॉसिबल आप उनको कॉल करो, उनको एक्सप्लेन करो, उनको कॉन्फिडेंस में ले लो और उनको रिक्रूट करो. एंड बोथ दीज मेथड्स वर्क अमेजिंग एंड एज अ डिजिटल लीडर दैट इज हाउ यू नीड टू हैव योर सिस्टम क्रिएटेड. आपको पता होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटमेंट अभी कैसे हो रहा है.
ऑल्सो वट यू कैन डू इज आप अपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग का 3 से 5 मिनट का एक अच्छा वीडियो भी बना सकते हो, जहां पे आप लोगों को जस्ट बता देते हो क्या बिजनेस है, क्या करना है. एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू इट राइट. आप 5 मिनट का काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी वीडियो बना सकते हो, जहां पे आप लोगों को बता सकते हो कि आप कौन हो, आपने ये बिजनेस कैसे शुरू किया, इस बिजनेस में आपको क्या क्या चैलेंज मिले, आपने कितनी टीम बनाई अपने लिए, कैसे कैसे लोगों को रिक्रूट किया, आपने उनकी लाइफ में क्या चेंज लाया. एंड यू कैन सेंड दिस रिकॉर्डेड वर्जन टू एवरीवन. जिन लोगों ने रिप्लाई भी नहीं करा था आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देख के, उनको भी भेजो. क्या पता उनमें से उन्होंने वीडियो देख के थोड़ा इंस्पायर हो गए या उनको ज्यादा क्रेडिबल लगा और वो डायरेक्टली रिक्रूट हो जाए. राइट. सो मुझे ये सिस्टम में चीजें चाहिए, तब तक आई कैन नॉट एक्सपेक्ट द स्मूथ एंड फास्ट ग्रोथ. ओके, नाउ वी टॉक्ड अबाउट रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स. तो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स क्या होते हैं? सी, आपके पास या तो अपना एक रिक्रूटमेंट टेम्पलेट हो सकता है या आप अपने पूरे नेटवर्क स्पेसिफिक बना सकते हो. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिविजुअली काम करता हूं और मैं सिर्फ एक 18% हूं, राइट, अभी एज एन 18% ना ही मेरे पास कैश अवार्ड है, ना ही मेरे पास फॉरेन ट्रिप है, मैं लोगों को रिक्रूट कैसे करूं? इट विल बी चैलेंजिंग. लेकिन अगर आप अपने नेटवर्क का हेल्प लेते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो वी हैव विवेक एंड मनीषा हियर, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने नेटवर्क स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बना दोगे, जहां पे आप कलेक्टिवली बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल वी आर विवेक एंड मनीषा, वी आर लाइक यू नो कपल एंटरप्रेनर्स एंड वी बोथ यूज टू हैव अ रियली नाइस एंड यू नो डिसेंट जॉब, बट इवेंचुअली हमने रियलाइज किया कि हमारी पर्सनल लाइफ में हमें पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलता है. जो भी हमारी हॉबीज हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं. We wanted to do something else, लेकिन of course business में काफी ज़्यादा risks होती हैं और हमारे पास investment issues है. That is when we decided like you know let's have this business with Oriflame, जो हमने last कुछ years से online करना शुरू किया, जिसके basis पे हमारे पास flexibility आ गई, हमारे पास एक ऐसा structure आ गया कि हम घर बैठे बैठे आजकल कहीं से भी लोगों को empower करते हैं इस business पे. आप उसको वीडियो में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा कोई स्क्रिप्ट करा के अच्छा वीडियो बना सकते हो, राइट. और जो आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होगा, इट अगेन इफ इट इज अ नेटवर्क स्पेसिफिक, आप इजीली लोगों को बेटर क्लेम कर सकते. अगर मैं 18% भी हूँ आपके नेटवर्क में, तो आई कैन इजीली से फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो आई एम मानसी एंड मैं एम पार्ट ऑफ लाइक यू नो विवेक एंड मनीषा ऑनलाइन टीम, राइट. हमारे नेटवर्क में अभी तक इतने तक का इनकम हम जनरेट करते हैं एनुअली, इतने तक के कैश अवार्ड ले चुके हैं, इतनी वुमेन हमारे नेटवर्क में इतना इतना अर्न करती हैं, यहाँ यहाँ हमारे नेटवर्क से लोगों ने ट्रैवल किया है. तो व्हेन आई टॉक एज अ नेटवर्क, व्हेन आई टॉक एज अ कलेक्टिव लाइक यू नो एंटिटी, मेरा रिक्रूटमेंट, मेरा कम्युनिकेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग इट इंडिविजुअली. ओके, सो your recruitment template, as we discussed, it could be a simple text, text and collage, which I recommend, ya text and video bhi ho sakta hai. Aapke paas multiple recruitment template bhi ho sakte hain, so that you figure out ki aapke liye best kaun sa work karta hai. Lekin jo most important hai recruitment template mein, other than your introduction, aapko logon ko ye batana hai ki ye digital business hai Oriflame ke sath, आपको डेली बेसिस पे कितने आवर्स के यू नो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. आपको उन्हें बताना है कि ऑनलाइन बिजनेस है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं. ये बिजनेस आप अपने स्मार्टफोन और अपने लैपटॉप दोनों से कर सकते हैं. आप उनको ये भी बताना है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में कि ये ऑनलाइन बिजनेस है तो आप उनको इस बिजनेस पे ट्रेन करेंगे, उनका नेटवर्क स्ट्रक्चर करने में आप उनकी हेल्प करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उनको और आप उनके नेटवर्क को इस बिजनेस पे पूरी तरह ट्रेन करोगे. सो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर योर रिक्रूटमेंट टेम्पलेट. एंड एज डिस्कस्ड कि नेटवर्क रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बेटर वर्क करता है. वाई? क्योंकि एज अ नेटवर्क आपके पास ग्रोथ, इनकम, कैश अवार्ड, सक्सेस स्टोरीज बहुत ज्यादा है शोकेस करने को. जब आप लोगों को कल को रिक्रूट करेंगे तो आप अपने पूरे नेटवर्क के ना इम्पोर्टेंट पिक्चर्स डाल देते हैं, लीडर्स के रिकॉग्निशन डालते हैं, उनके कैश अवार्ड डालते हैं. इससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. ऑल्सो वी अंडरस्टूड कि अदर देन ऑपर यू नो रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स, आपके पास पर्सनलाइज्ड ओएम का होना भी बहुत जरूरी है.
That's why you need to have your own OM. And again, जो भी आपका OM है, it can be either individual, अगर आपका अच्छा title है, या अगर आप एक network specific बनाते हो, तो आपका impact हमेशा ज़्यादा better रहेगा. That is a success to all other digital networks, क्योंकि वो collectively काम करते हैं, वो network के बारे में बात करते हैं. Okay? And that's why जो पहली चीज़ आपके OM में होनी चाहिए, again आपका introduction होना चाहिए. अगर आपने PPT बना रखी है अपने OM की, उनको उसको आप ऐसे रिविजिट करें जो अभी हम आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं. सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम कौन है, हम इस बिजनेस में क्या कैसे आए, इससे पहले हम क्या करते थे, क्या रीजन बना कि हमने Oriflame अपॉर्चुनिटी को चूज किया, इस बिजनेस में हमने क्या क्या अचीव किया, हमने क्या इनकम पाई अपने लिए, हमने कितने लोगों को एम्पावर किया, हम कहाँ कहाँ ट्रेवल कर चुके हैं, हमें कितना ग्रैंड रिकॉग्निशन मिले हैं. तो जो भी आपके अचीवमेंट्स है, जो भी आपकी बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो लोगों तक पहुंचानी. वंस वी इंट्रोड्यूस दिस बिजनेस टू देम, वंस वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू देम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम उनको बता दें कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है. व्हाई इज दैट यू शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? आपसे 100 लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं क्यों करूं Oriflame? यू नीड टू हैव रेडी आंसर्ड. सी, आप कोई भी चीज कर सकते हो, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा कम और अपॉर्चुनिटीज में प्रोवाइड होंगे. फॉर एग्जांपल, फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करोगे और अपनी मर्जी से काम करोगे कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो, 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, दैट इज टोटली अप टू यू. हमारे बिजनेस में क्या है कि जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आप ज्यादा ग्रो करोगे. तो आपके पास कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी है घर से ऑनलाइन काम करने की. ऑल्सो ये ऑनलाइन बिजनेस है, ये मॉडर्न वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो हम आपको एम्पावर करते हैं, हम आपको ट्रेन करते हैं एक ऐसे बिजनेस पे जो कि फ्यूचरिस्टिक है, जो आगे जाके हमेशा रहेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकम, अगर आज आप जॉब शुरू करते हो तो मे बी आपकी इनकम 10,000-20,000 से शुरू हो जाती है. उसके बाद कॉर्पोरेट में ग्राउथ अप्रेजल सिस्टम बहुत स्लो है, मे बी स्पेस से आपका 10-12 साल बाद 1-1.5 लाख भी सैलरी होगी, लेकिन उसके बाद आपकी ग्राउथ रुक जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगा आपका इनकम, और जिस दिन आपने जॉब छोड़ी, आपका सारा इनकम ड्रॉप. लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी में स्टार्टिंग में आपका अर्निंग थोड़ा कम होगा. क्यों? क्योंकि आप नए हो हमारे सिस्टम में, आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन एक बार आपने बिजनेस अंडरस्टैंड किया, एक बार आपने हमारे ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट किया, उसके बाद आपको जो ग्रोथ मिलेगी, देयर इज नो लुकिंग बैक. और कल को अगर आप रिटायर होना चाहते हो, कल को अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो, जस्ट डू दैट. दो चीजें होंगी तब तक, एक इनकम डिफरेंशियल बहुत ज्यादा होगा, यानी जितना आप इस अपॉर्चुनिटी थ्रू अर्न कर सकते हो, उतना आपको जॉब कभी भी ऑफर नहीं करेगी. एंड सेकंड थिंग इज, आपका इनकम कभी भी ड्रॉप नहीं होगा. व्हाई? क्योंकि आपने अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट किया है, तो आपको पैसिव इनकम, आपको रॉयल्टी हमेशा आ जाएगी अपने नेटवर्क से, राइट? एंड देन यू टेल देम व्हाट एल्स डू यू नीड. अगर आप मेहनत से काम करोगे, आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल मिलेगा, आपको कैश अवार्ड्स मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आप ड्रीम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल बन जाओगे, जहां पे आपके पास ये बेनिफिट्स हैं, एवरीथिंग इज देयर. देन यू शो देम नाइस पिक्चर्स ऑफ योर टीम, जहां पे आप लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन को शोकेस करते हो. एंड देन यू इंट्रोड्यूस Oriflame अगेन. जो हमारा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि ये डिजिटल बिजनेस है Oriflame के साथ, आपको ऑनलाइन काम करना है, आपको सेलिंग नहीं करनी है, आप एक एंटरप्रेनर होंगे, हम आपको सिस्टम पे ट्रेन कर देंगे. योर कम्युनिकेशन शुड बी लाइक दैट. इट्स नॉट कि हमने लोगों को अट्रैक्ट किया और उनको कैटलॉग भेज रहे हैं, उनसे सेल करवाते हैं, देन द ग्रोथ विल नॉट कम. ओके, तो यहाँ पे हम उनको इंट्रोड्यूस Oriflame करेंगे एंड टेल देम हमने Oriflame को क्यों चूज किया. Oriflame is one of the leading beauty companies selling direct, number one beauty selling company direct, selling direct. And then we have the legacy of these many years, and we are from Sweden. And we are proud of our Swedish attributes. Other than that, aap unko bata denge, jo hamara TSP hai, look great, make money, have fun. Hum is cheez mein kitna believe karte hain. And that is what we do for each one of us. और यही चीजों पे हम आपको भी enable कर देंगे.
देन आप ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान इंट्रोड्यूस करते हो, तो उस स्लाइड में आप लोगों को बताते तो सी दैट इज ऑल्सो वन मेजर रीजन वी आर डूइंग दिस, क्योंकि ये जो सक्सेस प्लान है ये बहुत रिवॉर्डिंग है। यहाँ पे आप ऐसे 0% शुरू करोगे, लेकिन वी विल मेक श्योर कि हम आपको एक सीनियर मैनेजर, एक डायरेक्टर, एक गोल डायरेक्टर बहुत ज्यादा जल्दी बना सके। एंड फाइनली सी देर आर नो फ्री लंच, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो देर आर सर्टन थिंग्स जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। वन, आपको मंथली 100 BP का ऑर्डर प्लेस करना होगा, आपको मेरी सारी ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करना होगा, और आपको रोज आइडियली 2 से 3 लोगों को रिक्रूट करना होगा इस बिजनेस में। अगर आप ये करेंगे आप गारंटीड हो कि आप विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक आप सीनियर मैनेजर इजिली बन जाएंगे। 4 महीने में तो इजिली बन ही जाते हैं सीनियर मैनेजर जो भी डिजिटल नेटवर्क्स हैं आज के टाइम में। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको ट्रेन करूंगा इस बिजनेस पे, मैं आपको अपने ऑनलाइन सिस्टम पे ट्रेन करूंगा, मैं आपको रिक्रूट दूंगा टाइम टू टाइम, मैं आपके और आपके नेटवर्क को ट्रेन करूंगा इस बिजनेस पे। सो दिस इज अ टू वे थिंग, जितना आप एफर्ट डालेंगे आपको मेरे एंड से उतना ही सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एंड मे बी नॉट ऑफ देम लाइक यू नो और हेजिटेंट, वो अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहते हैं, डू नॉट प्रेशराइज देम, टेल देम अच्छा ठीक है अगर आप अभी 100 BP प्लेस नहीं कर पाते हो आप कुछ भी कर लो, जस्ट बी अ रिक्रूट अंडर मी, ए क्वालिफाइड रिक्रूट बन जाओ, आप मेरे नीचे आ जाओ, आप लाइक यू नो अपना ऑर्डर प्लेस कर दो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट यू नीड टू कम्युनिकेट देम, ठीक है आप 100 BP मत करो, कुछ भी करो अभी, लेकिन आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और अगर पॉसिबल है तो आप मेरी किसी ट्रेनिंग्स को अटेंड करो। तो आपके पास ट्रेनिंग्स भी ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप वीक में कोई ना कोई टेस्टिमोनियल ट्रेनिंग्स होती है जहां पे लीडर बताते हैं कि ओरिफ्लेम से उनको क्या बेनिफिट मिला, राइट तो वो सुन सकते हैं उनकी, या जब आप उनको ग्रुप में ऐड किया तो आप वहां पे कैश अवार्ड्स की पिक्चर डालते हो, आपके पास नेटवर्क को लेके काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, फॉर एग्जांपल इस लीडर ने हाउ दिस लीडर इज अर्निंग लाइक यू नो 50,000 अ मंथ, हाउ दिस हाउसवाइफ इज अर्निंग 80,000 अ मंथ जस्ट बाय स्पेंडिंग जस्ट बाय स्पेंडिंग 7-8 hours वर्किंग ऑनलाइन एवरी डे। तो अगर आपने ऐसी ऐसी स्टोरीज बना रखी है, यही स्टोरीज इंस्पायर करती है लोगों को, अरे नहीं सच्ची में इस नेटवर्क में ये होता है, आर दीज वुमेन सच अर्निंग दिस मच, सो दैट्स व्हाई मेरे सिस्टम में ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। एंड नाउ दैट इट्स फॉर ईच वन ऑफ यू कि आप ग्लांस करो अपने फेसबुक पे, अपने सोशल पे, एंड थिंक कि अभी तक आप क्या करते हो, एंड डू यू हैव अ सिस्टम लाइक दिस कि आपके पास ये सारे कंपोनेंट है, अगर नहीं है तो स्टार्ट एक्टिंग ऑन देम। Why? क्योंकि it really does not matter आप कौन से लेवल पे हो अभी, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है, आपने कोई ट्रेनिंग ली है डिजिटल की या नहीं ली है, नो डिजिटल के लिए what is really important is the resolve कि नहीं मेरे से तो होगा ही होगा, I have to do this and you need to have positive intent and most importantly approach। अगर आप 100 चीजें गलत करोगे it will not come, अगर आप सिर्फ 5 चीजें राइट करोगे the growth will come, because system के accordance में काम करना है, right? आप 3 leaders को देख रहे हो, I've talked about them time and again, Dana Arshani, she's the daughter of Leela Bhuminathan, she's only 20 years old, एक student है, already senior director है, और भी अपना gold complete कर रही है, Dana is only 20, but वो Oriflame की digital opportunity use करती है, to inspire students, जो भी यंग वोमेन है 20-25 साल तक की, उनको कहती है सी मैं दना हूँ, मैं ओनली 20 हूँ, लेकिन घर बैठे बैठे जस्ट बाय स्पेंडिंग सम टाइम ऑनलाइन मैं ट्रैवल भी करती हूँ, मैं एक्सेस भी मिलता है टू रियली गुड यू नो कैटेगरी ऑफ स्किन केयर ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स एंड लॉट ऑफ लाइक यू नो मेकअप कलर कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटीफुल एसेसरीज, राइट, और ये सारा मैं पार्ट टाइम कर पाती हूँ अपने जॉब अपनी स्टडीज के साथ साथ। Then you have Kalyani. Kalyani just completed her Sapphire Director in 20 months, which is again the fastest growing Sapphire Director we have. Kalyani ka reason alag hai. She used to be the, Vivek and Manisha, we talked about them. Unhi ki tarah wo bhi like, you know, ek working ye thi woman thi. But she's like, you know, I did not like the culture. I did not like the job. And mera jo passion hai, wo ye hai ki mujhe ek to bahut zyada income aa jaye apne kisi business karne se. और साथ में ही मेरे पास टीम हो जिनके साथ मैं घूमूं, जिनके साथ मैं एंजॉय करूं, एंड टाइम टू टाइम आई एम गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड लाइक यू नो
for my fantastic business I'm doing for the company. And that is what, you know, exactly is working for her. And on the third, we have Shanti Devi, who 2.5 years back had no idea smartphone kya hota hai, digital kya hota hai. Lekin aajkal ke time mein, she is one of the fastest growing digital leaders. Already diamond director hai Oriflame ke saath, and she has already started her senior diamond. Jab Hyderabad mein director seminar hua tha, she was the only title with four, leader with four titles in one calendar year, jo ki highest tha. Aur Shanti Devi 3 saal pehle bilkul unaware thi. For those who do not know Shanti Devi's story, she used to work in fields. Her husband died 9 years ago. She started, like, you know, placing stalls, alag alag shops mein, wahan pe usko loss hua. She was under the debit of 8 lakh rupees. Single mom taking care of 2 children, and that is when she decided that life is over for her. Ab is age mein, without any knowledge, without any skill, without any expertise, wo kya kare? And that is when she discovered, like, you know, Oriflame opportunity. Jab uske bachchu ne unka ek smartphone mila tha, tab unhone pehli bar Facebook open kara. Aur unko ad dikha work from home ka, jo ki Sapna Kapoor ne chalaya tha. And then Rising Queens walo ne tab ek event kar rahe the Dwarka mein, they called her to the event. And that is when she got to know about the business. But of course, like, you know, she's like, yahan pe to teachers hain, is profession se wo maine, how can I do it? But she had a resolve ki nahi, mujhe seekhna hai aur mujhe karna hai. And she proved everyone else wrong. Aur aaj ke time mein, she's like, you know, the first digital diamond director. Pehli diamond director jo purely digital kaam kar, you know, digitally kaam kar gaya yahan pe. Aur aaj kal ka time mein, you see, they are doing a lot of offline events now. Why? Because unke paas ab structure hai, unke paas system hai. Unke liye ab offline prospecting karna easy hai. Abhi wo poor Bangalore mein the. Now on 19th they are going to Hyderabad. Wahan pe wo prospecting karenge, inspire karenge logon ko apni story se, unko system mein leke aa jayenge aur agle din se unki sari trainings online. So that's why digital works. Kyunki agar kar ko aap prospecting offline bhi karoge, lekin aapke paas ek back end RPO system hai jahan pe recruitment system hai, hai? या लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल है जहां पे आप उनको ट्रेनिंग कम्युनिकेट हमेशा ऑनलाइन करोगे. नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट शांति देवी, लाइक यू नो, ये उनकी पिक्चर है व्हेन शी यूज्ड टू बी वर्किंग इन द पैडी फील्ड्स 10 इयर्स बैक, एंड जो उनका बिफोर एंड आफ्टर एंड बिफोर पिक्चर है. सेकेंड पिक्चर में यू सी हैदराबाद में ऑन डायरेक्टर सेमिनार शी हैड द 4 टाइटल्स. यहाँ पे उनकी पिक्चर है अपने बच्चों के साथ. उसके नीचे रीसेंट पिक्चर है उनके बच्चों के साथ, जब अभी उनका डायमंड का कमेमोरेशन होना था और उनको फोटो शूट करना पड़ा था. एंड आई एक्चुअली हैपेंड टू आस्क हर, लाइक यू नो, हाउ मच डिड यू स्पेंड. शी लाइक, सर देयर वाज अ टाइम मुझे अपने लिए 200 रुपए खर्च नहीं कर पाती थी, लेकिन आज कल के टाइम में मैंने अपना फोटो शूट 20,000 रुपए का कराया. सो दैट इज द काइंड ऑफ चेंज जो ऑरिफ्लेम ला सकता है किसी की लाइफ में, अगर आप डेडिकेटेड हो इस बिजनेस के लिए. And that is someone jinke paas na hi skill tha, na hi expertise tha. If she can do it, why can't each one of us? It's just that hame system, hame continuously or consistently kaam karna hai. Aisa nahi hona chahiye ki main 2-3 din ke liye bahut committed hoon, uske baad se, like, you know, I'm again the same, ki sara motivation hi chala gaya. This picture you see, jahan pe award hai unke haath mein, it is the Associum Award, jo unko Fikki se mila. Aur ye hamesha ऐसी वुमेन को मिलता है जो दूसरों को इंस्पायर करती है, जो दूसरों को एम्पावर करती है. एंड शांति देवी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसको ये अवार्ड मिला है. एंड दीज आर जस्ट, लाइक यू नो, सम ऑफ हर अचीवमेंट्स. आजकल के टाइम में शी इज अर्निंग अप टू 3 लाख एवरी मंथ. शी हैज ऑलरेडी गॉट कैश अवार्ड्स वर्थ 8 लाख. शी इज स्टार्टिंग, लाइक यू नो, एज फुल रूम अपने घर में एक्सटेंड करके जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देती है. That is the kind of confidence she has now. And it's all because of, like, you know, coming onto digital platform and conquering it. So, aap mein se jo log passionate hain, aapko bas resolve chahiye aur aapko bas apne liye ek simple sa aur effective sa system identify karna hai aur roz imandari se aur kafi mehnat se kaam karna hai. It will not happen that, like, you know, I am just not have a proper balance to work with. ऑफलाइन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑनलाइन कुछ कुछ हो रहा है. नहीं, इट हैज टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस.
दैट्स व्हाई लाइक यू नो आपको सारपीओ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, आपके पास प्रोस्पेक्टिंग सोशल मीडिया पे करनी है, आपको डेली ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके नेटवर्क में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको कॉम्बिनेशन में काम करना है ऑफलाइन और ऑनलाइन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप 10 साल 12 साल 15 साल से ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आप रातों रात एक डिजिटल लीडर नहीं बन सकते, इट्स नॉट पॉसिबल. इन लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि उन्होंने ऑनलाइन ही काम शुरू किया, तो इनको आइडिया नहीं है कितना चैलेंजिंग है, कितना डिफरेंट है ऑफलाइन काम करना. लेकिन आप लोगों ने सालों साल काम किया, तो अगर आपको डिजिटली काम करना है थोड़ा टाइम लगेगा. दैट इज वाई लाइक यू नो वीक में 2 दिन 3 दिन फिक्स रखो ऑनलाइन काम के लिए, और बाकी दिन अपने आप ऑफलाइन काम करो. और उन दिनों आप डिसाइड करो कि क्या क्या काम होने हैं. मे बी आपको कोई नई चीजें सीखनी है, आपको पेज क्रिएट करना सीखना है, आपको बू सीखने हैं, तो सीखो, अपडेट योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ. आजकल अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे आपको हर कोई ट्यूटोरियल मिलेगा वहां पे. इट्स नॉट कि नॉलेज की कोई डर्थ है, रिसोर्सेज की कोई कमी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल आज के टाइम में, बट यू जस्ट नीड अ रिजॉल्व एंड अप्रोच. दिस इज द लास्ट स्लाइड बिफोर वी कंक्लूड द प्रेजेंटेशन. तो जो अभी आपका माइंडसेट होना चाहिए डिजिटल वर्किंग को लेके, इट शुड बी कि हमें ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करनी है, राइट? और उसके लिए हम एडवर्टाइज करेंगे फेसबुक पे, हम ग्रुप में काफी वैल्यूएबल कंटेंट करके पोस्टिंग करेंगे, हम अपने पर्सनल ब्रांड, अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे इन सारी जगह. जब मैं ये सारा चीजें करूंगा तो वहां से क्या होगा, मेरे पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा. सो आई विल बी डूइंग माय लीड जनरेशन, राइट? तो जो भी लीड जनरेशन होगा मेरा, उनको मैं सबसे पहले अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेजूंगा. वाई? क्योंकि ये उनको मैं भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर पे. और जो लोग मेरा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखते हैं उनमें एक फिल्ट्रेशन हो जाता है, और जो भी इंटरेस्टेड है उसके बाद वो मेरी क्वालिफाइड लीड्स बन जाती हैं. जो भी मेरी क्वालिफाइड लीड्स हैं उनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं रिक्रूट करूंगा यूजिंग माय पर्सनल ओएम, जो मैं या तो वेबिनार पे उनके साथ होस्ट कर सकता हूँ या चैट एंड कॉलिंग थ्रू ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूं. इससे क्या होगा, इससे मेरा रिक्रूटमेंट स्ट्रांग होगा, और जो भी मेरा रिक्रूटमेंट है उनको मैं अपने लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल पे लेके आ जाऊं, जो कि मेरे वेबिनार ट्रेनिंग्स हो जाएंगी जो यूजुअली हम जूम पे रिकमेंड करते हैं. व्हाई? बिकॉज इससे मेरा लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू हो जाएगा. एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. एंड मीनवाइल सोशल मीडिया पे मैं क्या करूं, आई शुड कीप ऑन क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट अराउंड माय पर्सनल ब्रांड, अपने बिजनेस के बारे में, ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट्स के बारे में. लेकिन सिस्टम मेरा ये होना चाहिए काम करने का. सोशल मीडिया इज जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल, सोशल मीडिया इज टू इंस्पायर पीपल, सोशल मीडिया इज टू क्रिएट दैट बज अबाउट यू एंड योर ब्रांड. लेकिन उनको रिक्रूट करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको ग्रो कराना है, उसके लिए बैक एंड में ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ आप पूछ सकते हो. आप चैट पे प्लीज क्वेश्चन पूछ लो, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ पीपल हियर. Do you have any questions? Thank you.
सी अगर आपको रिक्रूटमेंट टेम्पलेट क्रिएट करने हैं उसके लिए मैं आपको जो सिंपल सा ऐप बताऊंगा वो ये है canva.com। जब आप canva.com में जाएंगे आप देखो आपके पास ऑप्शन होगा डिजाइन क्रिएट करने का, तो आई क्लिक ऑन क्रिएट डिजाइन और यहाँ पे मैं जाऊंगा पोस्टर में। ओके नाउ कैनवा में क्या होता है कि बहुत ज्यादा पोस्टर्स होंगे, बहुत ज्यादा फ्लायर्स होंगे, तो आप यहां से जो भी आपको अट्रैक्टिव लगता है, दिस फ्लायर और दिस पोस्टर कैन बी समथिंग रियली रियली गुड फॉर मी, लाइक सी द फ्लायर कैटेगरी, तो क्रिएट डिजाइन फॉर एग्जांपल, और यहां से मैं फ्लायर में गया। ओके रिक्रूटमेंट टेम्पलेट के लिए अगेन आई विल टेल यू, जैसे मैंने कहा था कि जब आपको रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाना है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनल स्टोरी, आप इस बिजनेस के बारे में अपडेट। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ओरिफ्लेम का नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वाई, बिकॉज जो हमने कल्चर क्रिएट कर रखा है ग्रुप्स में पोस्ट करके, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच है जब जहां से लोगों को लगता है कि ओरिफ्लेम में उनको डोर टू डोर सेलिंग करनी है, दैट इज वाई वो मना करते हैं। अगर आप इन चीजों को एक्सप्लेन करोगे रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में, दैट्स वाई आई मेंशन कि आप रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में मेंशन करो कि डिजिटल बिजनेस है, ओरिफ्लेम के साथ है, ऑनलाइन घर से काम करना है, हम आपको ट्रेन करेंगे, आपको सेलिंग नहीं करनी है बल्कि हम आपको एम्पावर करेंगे एक डिजिटल एंटरप्रेनर बनने में, उसके बाद ही लोगों में एक इंटरेस्ट आ जाएगा। रिक्रूटमेंट टेम्पलेट में ये सारी चीजें कहना बहुत जरूरी है, वरना वो बात नहीं रहेगी, पीपल विल हैव नो आइडिया, उनको फिर से कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके एंड जैसे मैंने पहले कहा था रिक्रूटमेंट टेम्पलेट जो सबसे बेस्ट वर्क करता है वो होता है जब आप अपना स्टोरी, अपना बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हो, एट द सेम टाइम कोलाज उसमें ऐड कर देते हो अच्छी पिक्चर्स का, जहां पे आप लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन को डिस्प्ले करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाना है तो आप canva.com में आएंगे, राइट? Now canva.com में what I will do is I'll click on create design और यहाँ पे जाऊंगा मैं flyer में। okay? जो ही मैंने flyer पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे flyer डिस्प्ले होते हैं जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं, तो आप हमेशा फ्री वाला चूज करो सो दैट यू डू नॉट हैव टू पे। नाउ अगर आपको लगता है कि कोई भी फ्लायर का डिजाइन अच्छा है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यानी आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो आप उसमें इजिली वो सारी चीजों को चेंज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, इफ आई चूज दिस, राइट, तो इसको मैं, ये पिक्चर चेंज हो जाएगी, ये सारा कंटेंट चेंज हो जाएगा। Let's figure out if there are any more templates. Again, this is again a template, like, you know, for example, this one. This may be again, what I can do is, I can change this picture. यहाँ पे मैं कोलाज प्लेस कर सकता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं सारी कुछ चीजों को चेंज कर सकता हूँ। और जो भी अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है तो आप उसको पिक करो, वहां पे चेंज कर दो और आपका एक रिक्रूटमेंट टेम्पलेट रेडी हो जाएगा। अगेन फॉर एग्जाम्पल ओके दिस वन। Now what happens here is that अगर मैं इस वाली चीज को चूज करता हूँ, what I can do is इस पिक्चर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, राइट, मैं डिलीट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर मेरे पास कोई कस्टम पिक्चर है, यानी पास मेरे पास कोई अच्छा सा कोलाज है, तो उस कोलाज को मैं यहाँ से पिक करूंगा, यहाँ से अपलोड करूंगा सबसे पहले। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चीज को यहाँ पे अपलोड किया, देखो यहाँ पे अपलोड हो गई, तो यहां से पकड़ के इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, हाँ।
ओके, तो यहाँ पे मैंने पिक्चर को ड्रैग किया, इस वाले सारे चीज को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल आई कैन नो आई हैव एक क्लब का नाम अगर है सनशाइन क्लब, इस फॉन्ट को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ. ओके, अब इस टेक्स्ट को भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी मेरा मन हो यहाँ से लिखने का, सनशाइन क्लब यू नो. बाकी फिर मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी लिख सकता हूँ, इस बिजनेस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. तो जिस चीज का आप देखो, मेरे पास पूरा कंट्रोल है, फॉन्ट पे भी कंट्रोल है, कलर पे भी कंट्रोल है, इमेज पे भी कंट्रोल है, मैं आइकन्स पे भी कंट्रोल है. तो सारी चीजों को कस्टमाइज करके अपने लिए एक अच्छा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बना सकता हूँ, जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हो जाए मेरे बिजनेस की तरफ. इट्स नॉट रियली रियली डिफिकल्ट. तो अगर आपको अपने लिए एक अच्छा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाना है, जस्ट गो टू canva.com, अपने लिए जो भी आपको अच्छे अच्छे डिजाइन लगे उनको पिक करो और उनको कस्टमाइज करो अपने लिए. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? keywords to attract recruiters easily are like, you know, of course, online business, digital business, then of course, like, you know, unko income ke basis pe attract karna, unko foreign travel ke basis pe attract karna, unko dream program ke basis pe attract karna. There are so many propositions jo logon ko attract karte hain is opportunity ki taraf. ओके, आई थिंक सो द फर्स्ट सेट ऑफ टास्क जो आपके लिए है, दैट इज लाइक, यू नो, आप अपने लिए एक सार्पियो को आइडेंटिफाई करो. तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज है आज के लिए जो होनी चाहिए, दैट शुड बी द रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स. और दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए, दैट शुड बी द ऑनलाइन ओएम. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? क्योंकि आगे जाके जब आप फेसबुक को बिजनेस के लिए कस्टमाइज करेंगे, जब आप एड चला देंगे, तो आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर मेरे पास सिस्टम नहीं है, तो इट्स विल नॉट बी वर्थ वाइल. मैं उन लीड्स का क्या करूं, उनको मैं लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल पे कैसे लेके आऊं. सो दैट्स व्हाई, लाइक, यू नो, बिफोर वी कम्युनिकेट द ट्रेनिंग डेट्स फॉर नेक्स्ट ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिक्रूटमेंट टेम्पलेट और पर्सनलाइज ओएम होना चाहिए. ओके, What I will do is, मैं आपके साथ आज की पीपीटी और इसका रिकॉर्डेड वर्जन शेयर करूंगा आपके साथ. यू कैन गो थ्रू इट अगेन एंड देन यू कैन एडुकेट योर सेल्फ. एंड बिफोर वी कैच अप फॉर द नेक्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप रिक्रूटमेंट टेम्पलेट और अपने ओएम पे वर्क करो तब तक. ओके, थैंक यू गाइज. आई विल जस्ट लाइक टेक योर लीव नाउ.